पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए कर्मचारी अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के दर्जनों पदाधिकारियों ने हमीरपुर बाजार में रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने SDM हमीरपुर के माध्यम से न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में सरकार को ज्ञापन भी भेजा है और सरकार को चेताया कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया जाता है तो प्राथमिक शिक्षक अनशन पर बैठ जाएंगे। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए कर्मचारी अब सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने लगे हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के दर्जनों पदाधिकारियों ने हमीरपुर बाजार में रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने SDM हमीरपुर के माध्यम से न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में सरकार को ज्ञापन भी भेजा और सरकार को चेताया कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल नहीं किया गया तो प्राथमिक शिक्षक अनशन पर बैठ जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान नरेश कुमार ने कहा कि काफी सालों से प्राथमिक शिक्षक पुरानी पेंशन को बहाली के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए जल्द सरकार काम नहीं करती तो शिक्षक संघ के पदाधिकारी अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिना पेंशन के ही कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, जिसके कारण सालों तक सेवाएं देने के बाद ही कोई लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि न्यू पेंशन स्कीम पूरी तरह से छलावा है, जिससे कर्मचारी हताश और निराश हो रहे हैं। एजिटेशन यहाँ पे प्राइमरी टीचर फेडरेशन ब्लॉक हमीरपुर कर रही है। ये ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन के आह्वान पे ये धरना प्रदर्शन 3 में केंद्र सरकार ने एक तानाशाही पूर्ण एक लेटर निकाला, जिसमें पुरानी पेंशन जो कर्मचारी को रिटायर होने के बाद उसका जो सामाजिक और आर्थिक हक मिलता था उस पेंशन को बंद कर दिया गया। अब जो नई पेंशन कर्मचारी को मिल रही है, एक कर्मचारी को 25-30 साल नौकरी करने के बाद जो पेंशन मिल रही है वो सिर्फ 1500-2000 रुपया की पेंशन मिल रही है। क्या ये संविधानिक है? क्या जो संविधान ने बोला था कि एक कर्मचारी का जो पेंशन है कोई कृपा या भीख नहीं है, ये कर्मचारी का अधिकार है, तो सरकार ने आज इस अधिकार को छीन लिया है। पेंशन के नाम पे ये जो न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए चलाई गई है ये पूरी तरह से छलावा है, कर्मचारियों को छला गया है। आज जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं वो भीख मांगने वाली स्थिति पे आ गए। आपने देखा होगा TV चैनलों पे चल रहे हैं और बड़ा ही दुखद विषय है, बहुत ही दुखद विषय है कि कर्मचारी नौकरी क्यों करता है। सरकारी नौकरी इसीलिए की जाती है कि बाद में जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो हम एक सामाजिक जो हम जीवन जीते हैं वो सम्मान पूर्वक ढंग से जी सकेंगे। परंतु आज की डेट में सरकारों ने जो भी 2003 के बाद कर्मचारियों के प्रति सरकार का पेंशन के मामले में बड़ा ही उदासीन पूर्ण जो है वो रवैया रहा है, तो हम आज ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो। अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, हमें पुरानी पेंशन जो कर्मचारी को मिलती थी वो बहाल नहीं की, तो हम अमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। इसमें किसी बात का कोई शक नहीं है। प्राइमरी टीचर फेडरेशन का एक एक अध्यापक जो है वो अमरण अनशन पे बैठ जाएगा जब तक की सरकार जो है वो पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है। फेडरेशन के 24,000 जो टीचर है प्राइमरी टीचर फेडरेशन के, बाकी हमारा जो अपर जो टीचर है PGT है 18,000 की संख्या उनकी है। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ के करीब 25,000 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम आने से कर्मचारी अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते ही पूरे प्रदेश में आज प्राथमिक कर्मचारी संघ के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।